अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 1.2 में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो जब आप एक्सरसाइज 1.2 में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे थोड़ा सा। तो उन क्वेश्चंस को हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में, यानी उनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो फिर हम उसे 1.1 की तरह सॉल्व करेंगे। तो जब आपके पास पावर एक्स की 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो अब देखिए डिफरेंट टेक्निक की मदद से हम इसे रिड्यूस करें दोबारा क्वाड्रेटिक की तरफ और उसे 1.1 की तरफ सॉल्व करें। तो पहली टेक्निक हमारे पास है लेट करना इक्वल टू वाई। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन देखें, इसमें हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे और ये टेक्निक बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। तो हमारे पास यहाँ पर पावर 4 आ गया, जबकि 4 पावर का तरीका यहाँ हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम स्क्वायर बनाएंगे पावर, यानी इसको पावर स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसे इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे। और अगर हम इसका होल स्क्वायर लेंगे हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 आ गया। ठीक है, अब हम जहाँ पर x की पावर 4 है वहाँ पर स्क्वायर पुट करेंगे और जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर वाई पुट करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया है, अब हम इसे 1.1 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 4y और माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी दोनों से हमने वो है 1 और माइनस 1 4 जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 मिलता है और ऐड करें तो माइनस 5। तो यहाँ पर वाई काम लिया तो वाई माइनस 4 और यहाँ पर हमने माइनस 1 काम लिया तो वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे फैक्टर में लिख सकते हैं वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 और साथ वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अलग अलग इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू 4। तो ये तो हमारे पास आंसर मिले, लेकिन इसे अभी मजीद सॉल्व करना है, क्योंकि y हमने पुट किया था, y हमारे पास सिंस हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम y की वैल्यू एक दफा पुट करेंगे फिर दूसरी दफा पुट करेंगे, तो वेन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1, जब हम y 1 पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको अगर स्क्वायर रूट लें तो अंदर हमें मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आए। अब हमारे पास जब y इक्वल टू होगा 4, व्हेन y इज इक्वल टू 4, अब हम y की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू है x स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है तो लेते हैं साथ में ही स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ हमारे पास आ जाएगा 400 स्क्वायर रूट और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि हमारे पास 4 स्क्वायर रूट में लें तो हमें मिलता है 2। तो एक्स के हमारे पास यहाँ से भी दो आंसर आ गए। तो अब हम इन दो आंसर चार आंसर हो गए हमारे पास, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आपने जब वाई पुट करना है तो उस बार जब आपके पास वाई के आंसर आ जाएंगे उसे आपने वापस वाई की जो हमने पुटिंग की होगी जो लेट किया होगा वहाँ पर आपने दोबारा पुट करके आंसर लेने कि आंसर में क्या क्या चाहिए थे, वाई हमने वैसे ही लेट किया था। तो ये याद रखिए जितनी हमारे पास x की पावर होगी उतने आंसर होंगे, तो यहाँ पर x की पावर 4 थी तो हमारे पास 4 आंसर है। तो इस तरीके से आपने इस पर कुछ और क्वेश्चन भी हैं आपने सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो दूसरी टेक्निक यूज हो रही है उसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इन टेक्निक्स को आपके लिए समझना जरूरी है, इसके मुताबिक आपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एक्स प्लस 2 माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखें एक्स प्लस 2 दो दफा आया हुआ है तो इसे हम लेट करेंगे, तो लेट करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू
x plus 2, ये हमारे पास मान और y है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा we have, then we have हमारे पास हो जाएगा y minus 1 और y is equal to 3 divided by 2। अब हम इसे सिंपल बनाते हैं तो यहां पर एलसीएम लेंगे y और y square minus 1 is equal to 3 divided by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 y square minus 1 is equal to 3y। इसे सिंपल बनाते हैं तो 2y square minus 2 is equal to 3y। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी राइट साइड से इक्वल टू 0 लाएंगे तो 2y square minus 3y minus 2 is equal to 0। अब हमारे पास ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है 2y square minus 3y minus 2 equal to 0। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ac है minus 4, यानी 2 into minus 2 हमारे पास होता है minus 4। अब दो इनसे ऐसे देखेंगे जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो minus 4 मिले और प्लस या माइनस करें तो हमें minus 3 मिले, वो है minus 4 और 1 plus 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y square यहाँ पर आ जाएगा minus 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी मदद से हम फैक्टर बना सकते हैं आसानी से, यहाँ पर 2y कॉमन है हमारे पास रह जाएगा y माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास है प्लस 1 कॉमन तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 2y प्लस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें मिलेगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। y के वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिल रहा है 2। तो दो y की वैल्यू मिल गई लेकिन चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसे हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमने लिफ्ट किया था उसमें हमारे पास था, पहले हम y की वैल्यू लेते हैं, देन हमारे पास y is equal to है minus 1 over 2। जब minus 1 over 2 है y की वैल्यू तो हमारे पास y की जगह उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सिंस हमारे पास y equal to है x plus 2। y की जगह वैल्यू पुट की तो हमें मिला minus 1 over 2 is equal to x plus 2। प्लस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा minus 1 over 2 minus 2 is equal to x। तो x हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम माइनस 2 तो माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 2। x की एक वैल्यू में मिली माइनस 5 डिवाइड बाय 2। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू है 2। जब y की वैल्यू 2 है तो हम अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे y is equal to x plus 2 में y की वैल्यू पुट की हमारे पास है 2 is equal to x plus 2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी जब 2 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2 x is equal to 0। इस तरीके से हमें x की दूसरी वैल्यू मिली। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल टू होगा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 और 0। हमारे पास इस तरीके से x की दो वैल्यूज मिली। इस तरीके से हमने x को सॉल्व किया यानी हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसे हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए हमने लेट किया y। तो इस मेथड पर कुछ और क्वेश्चन किए जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। साइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारे पास है x plus 2 divided by x minus 2 minus x minus 2 divided by x plus 2 equal to 5 divided by 6। तो इसे भी हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसके लिए हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में लेट x plus 2 divided by x minus 2 is equal to y। इससे हमने y लेट किया है तो इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होगा x minus 2 divided by x plus 2 is equal to 1 over y। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह बन जाएगा y minus 1 over y is equal to 5 divided by 6। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे इसे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास मिल रहा है y square minus 1 equal to 5 divided by 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6y square minus 6 is equal to 5y।
फॉर्म में लाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6y² 5y को पहले लिखते हैं तो इस तरफ आकर -5y -6=0। तो अब हम इसमें फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर हमारे पास होंगे, तो इसके फैक्टर हमारे पास चूंकि 6 × 2 - 6 है तो आ रहा है हमारे पास -36। तो दो इनसे ऐसे देखते हैं जिन्हें आप इसको मल्टीप्लाई करें तो -36 करें और प्लस करें तो -5, तो वो है हमारे पास 9 और 4। यानी हम लिखें अगर -9 और +4 करें तो हमें मिलता है -36 और यदि आप उसमें प्लस करें तो हमें -5 मिल रहा है। तो -9 और 4 को मल्टीप्लाई करें -36 मिला, तो इसे हम लिख सकते हैं 6y² - 9y और +4y - 6=0। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया तो 3y कॉमन लिया तो आ गया 2y - 3। और नेक्स्ट में हमारे पास है 2 कॉमन तो 2 कॉमन लिया प्लस 2 कॉमन लिया तो 2y आ गया = 0। यहाँ पर ले सकते हैं 3y + 2 × 2y - 3=0। अलग अलग = 0 देंगे तो 3y + 2 = 0 और 2y - 3=0। यहाँ से हमें मिलेगा 3y = -2 और यहाँ से 2y = 3। तो y की वैल्यू यहाँ से मिली -2/3 और यहाँ से y की वैल्यू मिली 3/2। अब हम y की वैल्यू वापस पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास y इक्वल टू था सेंस y इज इक्वल टू है हमारे पास x+2/(x-2)। तो अब हम एक दफा y की एक वैल्यू पुट करेंगे दूसरी पुट करेंगे तो व्हेन हमारे पास y इज इक्वल टू है -2/3। तो इसमें पुट किया -2/3 = x+2/(x-2)। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2 × x-2 और इक्वल टू है 3 × x+2। जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिला, यहाँ से हम देख सकते हैं -2x + 4 = 3x + 6। यहाँ से हम वेरिएबल्स की तरफ और काम को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 6 = 3x + 2x। तो यहाँ से -2 = 2 हो जाएगा 5x। तो हम लिख सकते हैं -2/5 = x। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे व्हेन y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे y = 3/2। तो y की जगह 3/2 पुट किया तो हमारे पास था y = x+2/(x-2)। यानी 3/2 = x+2/(x-2)। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × x-2 और 2 × x+2। तो हमारे पास 3x - 6 = 2x + 4। वेरिएबल वैल्यू कर फिगर जाएंगे तो 3x - 2x हो जाएगा और 6 उसका जाना पॉजिटिव यानी 4+6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x = 10। तो हमारे पास वह x की दोनों वैल्यूज मिलती तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा 10 और -2/5। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास अगर बुक में है 6x² - 13x² + 5x है तो वहाँ पर x आप काट दें क्योंकि वहाँ पर x नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सिंपल बनाकर यानी एलसीएम लेकर आपने सॉल्व